के नाते हैं वो जोड़े नहीं जाते, जो दिलों के नाते हैं वो जोड़े नहीं जाते, जोड़ लिए तो फिर तोड़े नहीं जाते। ओ बादल बिजली चंदन पानी जैसा अपना प्यार, लेना होगा जन्म हमें कई कई बार। लोग मिलते हैं फूल खिलते हैं, मगर पतझर में जो फूल मुरझा जाते हैं वो बहारों के आने से खिलते नहीं। एक रोज जो मिल के बिछड़ जाते हैं। दोस्तों नमस्कार, आज हमारे इस मेगा म्यूज़िक पार्लर के स्टूडियो में उपस्थित हैं हमारे बहुत ही पुराने अजीज़ कलाकार हैं अमरेंद्र श्रीवास्तव जी। अमरेंद्र श्रीवास्तव जी हमारे दिल में उन दिनों से हैं जब मैं आरके कॉलेज में पढ़ता था मधुबनी में, तो मैं कभी कभार इनके कार्यक्रमों को देखने जाता था। आज ये कृष्ण मुरारी को, हमारे ये छोटे से बालक आपके प्यारे कृष्ण मुरारी को आशीर्वाद देने के लिए आए हैं, हमारे स्टूडियो में उपस्थित हैं। तो मैं चाहूँगा कि कृष्ण कुमार जी के लिए कुछ हमारे अमरेंद्र श्रीवास्तव जी कुछ बोलें, आप दर्शकों को कुछ बताएं इनके विषय में। आप इस बच्चों को आशीर्वाद दीजिए, आप सभी दर्शकों का प्यार चाहिए इनको आगे बढ़ने के लिए। ये बहुत छोटा बच्चा है, इनको प्रोत्साहन की आवश्यकता है। नमस्कार, हमारे देवेंद्र जी बहुत ही पुराने और ख़ासकर गीत संगीत में बहुत ही आगे और इसी को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। सबसे पहले तो इनको शुभकामना है मेरी कि सरस्वती की दया कृपा आप पर बना रहे और आपके सभी बच्चों पर ये निरंतर बना रहे, ये परंपरा चलता रहे। खास करके छोटा बच्चा कृष्ण मुरारी जो है, ये आने वाले कल में भविष्य में एक अच्छा कलाकार बनेगा, यह मेरी कामना है और मेरा ये पूर्ण विश्वास है कि यह बच्चा आगे निकल कर अपना नाम रोशन करेगा, मधुबनी जिला का नाम रोशन करेगा, बिहार का नाम रोशन करेगा, पूरे भारत में नाम रोशन करेगा अपना। और अपने पिताजी के उम्मीद पर खरा उतरेगा, ये मेरा पूरा विश्वास है। तो इसलिए मैं हृदय से इस बच्चे को, इस मुरारी को मैं आशीर्वाद देता हूँ कि बच्चा और भी मेहनत करते चलें। अभी तो बच्चा है और धीरे धीरे शनै शनै वो आगे बढ़ेंगे ही, इसमें कहीं से कोई ये बात नहीं है, कभी ये बढ़ते ही जाएंगे, ये रुक नहीं सकते हैं। तो ये मेरा आशीर्वाद है इस बच्चे पर। और मेरा क्या कहना, तो मैं तो अब बहुत ढलान पे हूँ, लेकिन फिर भी संगीत ऐसी विधा है जिसमें जीवन लग जाता है फिर भी वो अपूर्ण रहता है। तो संगीत है
संगीत पर गुमान हमें नहीं करना चाहिए बल्कि संगीत की पूजा करना चाहिए, और जितना प्राप्त हो सके उसको हम प्राप्त करें अपने साधना से, अपने गुरु से। यही एक उपलब्धि है। और यह हो करके बड़ा स्टार ऐसा नहीं है कि ग्रामीण क्षेत्र से बच्चे आगे नहीं बढ़ते हैं, ग्रामीण क्षेत्र से आगे बढ़ते हैं। आज देखिए इंडियन आइडल है वगैरह, बहुत सारा शो चल रहा है। तो बच्चे जब तैयार होकर निकलेंगे, इनकी प्रतिभा को लोग चुनेंगे, आगे मुंबई में चुनेंगे, तो बच्चे निखर जाएंगे। तो कहने का मतलब है कि ऐसा कुछ नहीं है कि शहर में ही हो, खास करके ग्रामीण क्षेत्र से ही बच्चे लोग ज़्यादा उभरते हैं। किसी भी क्षेत्र में, संगीत में भी तो बहुत ही ज़्यादा बच्चे लोग जो हैं उभरते हैं, आगे आगे चलते हैं। भाई अंत में ये कहना है कि इस बच्चे को मेरा शुभ आशीर्वाद है, और देवेंद्र जी को भी मेरा पूर्ण इन पर विश्वास है कि इस परंपरा को ये आगे बढ़ाते चलेंगे। और बहुत ही एक मैं हर्ष अनुभव कर रहा हूँ इस स्टूडियो में आकर के, कि इतनी अच्छा वातावरण है यहाँ का, इतना संगीतमय वातावरण है जो मेरे हृदय को बहुत ही अच्छा भाया है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देवेंद्र जी को। कृष्ण मुरारी शंकर महादेवन मुंबई, वहाँ के एकेडमी से इन्होंने सर्टिफिकेट पाया है ऑनलाइन। इन्होंने अपना एग्ज़ाम दिया था और बहुत ही प्रशंसा के पात्र हुए हैं, और इन्होंने पाया है। और आने वाले समय में वो शंकर महादेवन के इंस्टीट्यूट में वो जुड़ जाएंगे और उसका क्लास लेकर के ये आगे बढ़ेंगे। ये मेरा उम्मीद है, पूरा विश्वास है कि बच्चा आगे बढ़ना ही है, इसको कोई नहीं रोक सकता है, बच्चा आगे बढ़ता ही चलेगा। और एडवांस ये बात है कि मुंबई वाली बात हो तो बहुत ही बात होती है, आगे बढ़ने का हर रास्ता खुल जाता है। राइजिंग स्टार है वगैरह, ये मैथिली ठाकुर वगैरह, ये सब जो है आज ये चमकी है इसी की वजह से। तो वहाँ एक अनुभव, एक ज्ञान भी होता है, वास्तविक ज्ञान होता है। तो वो ज्ञान लेकर के बच्चा जो है सो आगे क्लिक करता है, आगे चलता है। इस प्रकार से जुड़ करके बच्चा ये ऑनलाइन ये अध्ययन करेगा, वहाँ से जुड़ेगा और आगे बढ़ेगा, भविष्य में अपने भविष्य को उज्जवल करेगा। धन्यवाद आपको, सत सत नमन सर। आप यहाँ पधारे मेरा सौभाग्य है, जिसमें आप दर्शकों का भी सपोर्ट चाहिए। जब भी मेरा वीडियो आप देखते हैं तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट में बच्चों के लिए कुछ लिखिए, अच्छा कमेंट कीजिए। और जो हमारे इस चैनल पे नए आते हों उनसे निवेदन करूँगा कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कभी कभी फुर्सत निकाल करके इनके वीडियो को देखें, लाइक करें और एक दूसरे को शेयर भी करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने इस बातों को विराम दूंगा। नमस्कार, धन्यवाद।